औरैया जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दरोगा और सिपाहियों के द्वारा न्याय मांगने आया एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी विधुना को सौंप दी थी। रिपोर्ट के बाद आरोपी दरोगा को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। औरैया सदर कोतवाली की एक महिला हेल्प डेस्क के सामने एक युवक को मार रहे औरैया कोतवाली सदर में तैनात दरोगा प्रकाश उनके हमराही है। दरअसल शहबाजपुर गांव का एक युवक अपने गांव में हुई एक घटना के संबंध में न्याय मांगने आया था, लेकिन पुलिस ने न्याय मांगने आए युवक के ऊपर ही जमकर लात घूंसे चलाए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह युवक को पुलिस कर्मी ढेर कर उसे लात और थप्पड़ से पीट रहे हैं। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने मामले का संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच सीओ विधुना मुकेश कुमार सिंह को सौंप दी। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने जांच में दोषी पाए जाने पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। थाना कोतवाली औरैया के क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति को एसआई प्रकाश द्वारा उनसे अभद्रता की जा रही है और मारपीट की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी द्वारा इसमें जांच की गई है और इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।